हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु शर्मा है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा गुणित अनुपात का नियम। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक संयोजन के कुछ नियम बताए थे। दो वीडियो के अंदर दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक संयोजन के नियम का, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने 1804 में दिया था। उसके बाद इसकी पुष्टि जो है प्रयोगों के द्वारा बर्जीलियस ने की थी। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो तत्व आपस में मिलके दो या दो से ज़्यादा अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित अनुपात के साथ दूसरे तत्व का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन वो अपने अनुपात का एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कि आप इसको उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे यहाँ पर देखो, कार्बन जो है दो प्रकार के ऑक्साइड बना रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस टेबल में मैंने बताया है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक यौगिक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर ही दूसरा यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर आप देखो, कार्बन का द्रव्यमान दोनों के अंदर निश्चित है। यहाँ भी कार्बन 12 ग्राम है, यहाँ भी कार्बन 12 ग्राम है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन 12 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या है, 16 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 32 ग्राम है। तो ये अनुपात तो निश्चित हो गया, ये तो बराबर का अनुपात है, जितना इसके अंदर है उतना इसके अंदर है। लेकिन जो ऑक्सीजन का अनुपात है आप देख रहे हो वो कितना है, 16:32 है, और इसको सरल भाषा में बोले तो 1:2 है, जो कि एक सरल गुणित अनुपात है, और यही नियम है गुणित अनुपात का नियम। समझ गए आप लोग। इसके दूसरे उदाहरण हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आप अनुपात देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का 32:32 है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर आप अनुपात देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का 32:48 है। तो सल्फर तो दोनों के अंदर कॉन्स्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अनुपात है यहाँ 32 है, यहाँ 48 है। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, 32:48, कितना हो गया, 1:3। ये भी अनुपात एक दूसरे का सरल गुणित अनुपात है, इस अतः ये क्या करता है, गुणित अनुपात के नियम को सिद्ध कर रहा है, SO3 और SO2 दोनों। अब इसको मैं एक न्यूमेरिकल द्वारा, एक आंकिक प्रश्न द्वारा सिद्ध करते हैं कि ये गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करनी होती है। क्वेश्चन है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें कार्बन की जो मात्रा दी हुई है पहले में 42.9% दिया हुआ है और दूसरे में 27.3% दिया हुआ है। तो ये आंकड़े हमें सिद्ध करना है, क्या ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसको आप देखो, पहले ऑक्साइड में आपको कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है 42.9 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे, कितना आ गया, 57.1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जो 42.9 ग्राम कार्बन संयोग करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन से, और 1 ग्राम कार्बन संयोग करेगा 57.1/42.9 बराबर कितना आ जाएगा, 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा। 1 ग्राम कार्बन 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा। अब दूसरे ऑक्साइड में देखते हैं, दूसरे ऑक्साइड में हमें कार्बन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 27.3 दिया हुआ है, और इसके अंदर ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम निकालेंगे 100 - 27.3 = 72.7 ग्राम आ गया। अब उसी तरीके से 27 ग्राम कार्बन संयोग करेगा कितने ऑक्सीजन के साथ, 72.7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और 1 ग्राम कार्बन करेगा 72.7/27.3, तो कितना आ गया, 2.66 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। तो आप यहाँ पर पहले परीक्षण में जो हमने ऑक्सीजन की मात्रा निकाली है वह ये 1.33 ग्राम, और दूसरे परीक्षण में हमने जो ऑक्सीजन की मात्रा निकाली है वह ये 2.66 ग्राम। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, 1.33:2.66, और क्या आ गया, 1.2। तो ये क्या है, ये एक सरल गुणित अनुपात है। तो इन आंकड़ों से पुष्टि हो रही है कि ये जो अनुपात है वो एक
गुणित अनुपात है, अतः ये यौगिक सरल गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं और यही हमें सिद्ध करना है। बच्चों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगला नियम लेके आएंगे। थैंक यू।